नमस्कार, मैं नीरू शिवम। आज हमारी पहली मुलाकात है। घर से जब चली तो एक प्रश्न मेरे मन में आया कि आपसे संबंध कौन सा रखा जाए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपसे बात करूं, धार्मिक प्रवचन देने वाले स्पिरिचुअल गुरु की तरह बात करूं, इन्फ्लुएंसर की बात करूं, या अपने प्रोफेशन के हिसाब से एक टीचर और शिष्य का संबंध रखूं। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि इस दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। फेसबुक की एक खासियत है कि वहाँ पर जितने लोग भी हमसे जुड़े होते हैं वो दोस्ती के रिश्ते से जुड़े होते हैं, चाहे वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है या परिवार के अन्य सदस्य। तो मैं आपसे दोस्ती का रिश्ता रखूँगी। हमारी इस दोस्ती की कुछ शर्त रहेंगी। जजमेंटल नहीं होंगे, मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूंगी, आप मुझसे अपनी बातें शेयर करेंगे। देश रोज़ाना के इस मंच पर हम बातचीत करेंगे। बातों बातों में हम अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न सुलझाएंगे जिसको सुलझाना एक दोस्त का ही काम होता है। परीक्षा भवन में बैठे हैं कभी आप? वहाँ पर आपने देखा होगा कि चार कोड के प्रश्न आते हैं, कोड ए, बी, सी और डी। लेकिन उन सब प्रश्न पत्रों का स्वरूप, पैटर्न एक जैसा होता है। प्रश्न भले ही अलग अलग हो जाएं, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। पर ये तो जिंदगी है ना, और परीक्षा लेने वाला वो भगवान है। और हम सब यहाँ इस धरती पर क्या सीखने आए हैं, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, ये सब उस प्रश्न पत्र पर निर्भर करता है जो ईश्वर ने बनाया है। और कभी भी वो प्रश्न पत्र रिपीट नहीं होता। मेरी जिंदगी का प्रश्न पत्र तुम्हारी जिंदगी के प्रश्न पत्र से बिल्कुल अलग है। तो किसी के भी माथे पर यहाँ लिख देना कि ये अच्छा है या बुरा है, ये बिल्कुल गलत है। हम अपनी दोस्ती में एक इसी नियम का ध्यान रखेंगे। हर व्यक्ति, उसको जैसी भी परिस्थितियाँ मिल रही हैं उसके हिसाब से वो दी बेस्ट देने की कोशिश करता है। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। कोई व्यक्ति सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये जजमेंट लेने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। और एक मज़ेदार बात ये है कि अगर उन परिस्थितियों को हम झेल रहे होते तो शायद हम इतना अच्छा भी ना कर पाते। और दूसरी बात, आदर्श कभी नहीं बनाने हमने। कि आज कोई मुझसे ये कहने लगे कि तुमने सीता की तरह जीवन बिताना है या राधा की तरह जीवन बिताना है, तो वो मेरे लिए असंभव है। क्योंकि सीता और राधा, उनका समय और उनका युग अलग था, उनकी परिस्थितियों की डिमांड अलग थी। और जिस युग में मैं रह रही हूँ, मेरी परिस्थितियाँ मुझसे कुछ अलग चीज़ की डिमांड करती हैं। और ईश्वर मुझे जैसा प्रश्न पत्र दे रहा है, धक्के खाते हैं लेकिन फिर भी दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से देश रोज़ाना के इस मंच पर हम अपनी इन्हीं अनसुलझी पहेलियों के साथ आएंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। बाकी बातें करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।